हेलो फ्रेंड, आज मैं ऐसे 10 टॉप 10 कोर्सेज के बारे में बात करूंगा जो किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी यंगस्टर्स को, किसी भी स्टूडेंट को इन हिज अर्ली 20s पहले ग्रैब कर लेने चाहिए इन ऑर्डर टू अर्न अ गुड चंक ऑफ मनी, इन ऑर्डर टू अर्न अ एवरेज पैकेज ऑफ 8 to 12 lakhs इन हिज 20s ओनली। प्लीज लिसन इट केयरफुली, इन हिज 20s ओनली। अगर आप और मैं बात करें तो आप जानते हैं कि वर्ल्ड इज कमिंग एट अ नेक्स्ट लेवल। जो हम ट्रेडिशनल कोर्सेज पढ़ते हैं, जो कॉलेज हमको बुक से पढ़ाता है, क्या वाकई वो सब कंपनी डिमांड कर रही है? तो प्योर आंसर इज नो, कंपनी आर नॉट डिमांडिंग दैट थिंग्स। द कंपनी इज डिमांडिंग सम लेटेस्ट कोर्सेज, कोर्सेज रिलेटेड टू डेटा साइंटिस्ट, कोर्सेज रिलेटेड टू एक्सेल। ऐसे टॉप 10 कोर्सेज बताऊंगा जो आपको किसी भी ऑनलाइन साइट पर मिल जाएंगे। आपको गूगल उसके फ्री सर्टिफिकेशन देता है और वंस यू आर डन और गो थ्रू विद कोर्स, आप इन योर 20s और इन योर 21 22 की एज में एवरेज 60-70,000 पर मंथ और मोर देन दैट, सम ऑफ द पीपल आर अर्निंग 2 or 3 lakh रुपीस पर मंथ बाय दीस कोर्सेस। सो हियर आर द लिस्ट। फर्स्ट कोर्स दैट आई वुड टॉप रैंक दिस डाटा एनालिसिस एंड डाटा माइनिंग। यू शुड नो सर, व्हाट इज दिस डाटा साइंटिस्ट, व्हाट इज दिस डाटा माइनिंग कोर्स। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको यूज करना पड़ते हैं एक्सेल, पाइथन, टैबल्यू एंड एन नंबर ऑफ फीचर्स जिससे आप लोगों का डाटा सेव करते हो। डाटा सेविंग का इतना बड़ा मार्केट हो गया है। यस, डाटा की वैल्यू आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। रीजन भी क्योंकि आपको एक वर्ड मालूम होना चाहिए, डाटा बिकता है। डाटा बिकता है मतलब कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी होगी, कोई भी कॉर्पोरेट कंपनी होगी, लेट्स से अगर वॉलमार्ट को इंडिया में आना है या अमेजोन को जब इंडिया में आना था, व्हाट दे नीड द डाटा and classifies and categorize data of Indians कि कौन से लोग किस इनकम ग्रुप के हैं, उनका क्या मोबाइल नंबर है, वो कैसी प्रेफरेंस रखते हैं। तो ये सब डाटा, लेट्स से अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास एक कैटेगराइज डाटा होता है तो बिग कंपनीज यूज टू पे 20-30 रुपीज पर कैटेगराइज डाटा। अब लेट्स से मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास कुल 1-2 करोड़ लोगों का डाटा पड़ा हुआ है, लेट्स एग्जांपल मेरी कंपनी, इसका काम कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों का डाटा इकट्ठा करना है थ्रू फेसबुक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू एनी ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल। जो लोग हमारी ऐप डाउनलोड करते हैं उस ऐप के थ्रू डाटा इकट्ठा करना है। नाउ लेट्स से मेरे पास 1-2 करोड़ लोगों का क्लासिफाइड या कैटेगराइज डाटा है। व्हाट अमेज़न इज ऑफरिंग मी फॉर दैट डाटा, जस्ट फॉर दैट डाटा 20 करोड़ रुपीज। तो फर्स्ट कोर्स विच आई विल से डाटा माइनिंग और डाटा एनालिटिक्स इज द फ्यूचर। अगर आप इसको बात कर रहे हैं तो 2025 तक इससे डाटा एनालिटिक्स का इसका कोर्स करोगे वो हाईएस्ट अर्निंग पैकेज पे होगा। तो फर्स्ट रिकमेंडेशन इज डाटा एनालिसिस। द सेकंड कोर्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अब सर, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग क्या होती है, कैसे एक मशीन आपको समझ रही है, कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कितना रोबोटिक्स आ गया है कि जब मैं किसी पर्टिकुलर पोस्ट को 2 सेकंड से या 3 सेकंड से ऊपर फेसबुक पर देखता हूँ तो कैसे ही उससे रिलेटेड एड्स मुझे इंस्टाग्राम पर दिखने लगते हैं, मुझे कुछ कुछ कॉल्स आने लगते हैं, मुझे कुछ कैटेगराइज मैसेज आते हैं, क्या आपको ये चीज चाहिए। इसका मतलब जैसे ही उसने मेरे आई के रेटिना को स्टडी करा कि मैंने 3 से 4 सेकंड तक ऐसी कोई पोस्ट देखी है, ऐसा कोई वीडियो देखा है या ऐसी कोई पिक्चर देखी है, तो उससे रिलेटेड चीजें मुझे सिर्फ उस पर्टिकुलर साइट पर नहीं दिख रही है, मतलब उससे रिलेटेड चीजें मुझे मोबाइल तक पहुंच जाती हैं। आप चेक कीजिए, अगर आपने रात को कोई वीडियो देखा हो पर्टिकुलर किसी चीज का, तो सुबह आपकी सारी एप्स के अंदर कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड रिकमेंडेशन आना शुरू होते हैं। तो इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, कि मशीन कैसे काम कर रही है, डाटा कैसे वर्क कर रहा है, कैसे ये पूरा नेटवर्क आपको आपके टारगेट कस्टमर, आप जिस भी कंपनी के टारगेट कस्टमर हो उससे मिलाने के लिए कंपनी से चार्ज कर रहे हैं। तो सेकेंड कोर्स इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। द थर्ड कोर्स दैट आई वुड रियली सजेस्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब सर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक ऑफ ऑल बिजनेस है। तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप डाटा एनालिसिस कर सकते हो, फर्स्ट जो कोर्स अपन ने बोला, एक्सेल आता है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जा सकते हो। सर, एक्सेल पे बहुत सारे पाइवट चार्ट्स होते हैं, बहुत सारे टेबल्स होते हैं, तो अगर आपको एक्सेल आता है तो आप किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के लिए सबसे प्रेफर्ड एम्प्लॉई हो। बिकॉज जब आप एडवांस एक्सेल देखोगे तो देयर आर लॉट मेनी थिंग्स जो हम बहुत बार मीन, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन जो हम लोग करते हैं, मींस जिसको करने में अगर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करें तो बहुत बार कॉपी में जब कभी करा करते थे तो उस क्वेश्चन को करीबन 20 मिनट लगते थे, वो एक्सेल 3 सेकंड में दे देता है। अगर मुझे किसी चीज का कोरिलेशन निकालना है, किसी का डिविएशन निकालना है, किसी का वेरियंस निकालना है, देन मेरे को मेरे डाटा का पाइवट चार्ट बनाना है, पाइवट टेबल बनाना है,
तो ये सब एक्सेल अगर मैं बात करूं तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कर देता है। अगर मैं कोई भी रिसर्च कर रहा हूं, अगर मैं पीएचडी स्कॉलर हूं, तो सर एक्सेल का सबसे बड़ा यूज है, क्योंकि पीएचडी मतलब रिसर्च। तो आप रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च का मीन चाहिए रहता है, मीडियन चाहिए रहता है, एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो एक्सेल सबसे पहले तो कॉर्पोरेट्स की डिमांड है, देन एक्सेल। तो आपने टॉप टू कोर्सेज पढ़े, उनके पीछे का बेसिक भी, जब तक आपको एक्सेल नहीं आएगा, एक्सेल के चार्ट नहीं आएंगे, वो चीज नहीं हो सकती। The fourth course of my recommendation is digital marketing. अगर हम बात करें तो सर, now the market, the new market is online. अगर मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है, तो 40 years back जब मार्केट्स क्रिएट हो रहे थे, नए नए मार्केट, जब हम लोग अलग अलग ऑफलाइन मार्केट में आते थे, तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे, जिनको मार्केट बनाना आता था, जिनको मॉल बनाना आता था, जिनको नई नई टेक्नोलॉजी से नई नई चीज दिखाना आती थी, उनको पेड हायर मिलता था। अब नाउ एवरी बिजनेस इज ऑनलाइन। आप एक प्रकार के खुद का चार्ट बना के देखो पर्सनलाइज, कि आपका कितनी परचेस ऑनलाइन हो चुकी है और कितनी परचेस ऑफलाइन। ऑनलाइन हैज बिकम द न्यू मार्केट। तो डिजिटल मार्केटिंग, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो स्नैपचैट के थ्रू हो, चाहे वो आपका गूगल का एडसेंस हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इन सब में आपका ओवरऑल बड़ी बड़ी बिग कॉर्पोरेट को चाहिए अच्छे डिजिटल मार्केटर, जो उनके लिए एक नया मार्केट क्रिएट करके दे, नया मार्केट क्रिएट करके, जो उनकी पोस्ट को, उनके प्रोडक्ट को, उनकी सर्विस को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाए। तो जिसको डिजिटल मार्केटिंग अच्छी आती है, वो इनडायरेक्टली कस्टमर ला के दे रहा है किसी बड़ी फर्म को। अब फर्म के पास, जो फर्म प्रोडक्ट बना रही है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उससे कितना चार्ज करें। यू कैन चार्ज एनीथिंग फॉर योर सर्विस इफ यू आर गेटिंग द कस्टमर फॉर दी देम। सो डिजिटल मार्केटिंग इज माई फोर्थ प्रेफरेंस, जो आप सब लोगों को कर लेनी चाहिए इस एज में, एंड यू विल बी हाईली पेड फॉर दैट, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी प्रोडक्ट में जाओ। और अब ये नहीं था कि टॉप मोस्ट कंपनीज डिजिटल मार्केटिंग कर रही है, अब जो रेगुलर शॉप्स हैं, जो छोटी मोटी कंपनीज, जो छोटी मोटी शॉप्स हैं, जो स्ट्रीट शॉप्स हैं, क्या सर वो सब भी ऑनलाइन पे आ गई हैं? तो टू बी वेरी फ्रेंक, यस, वो सब भी ऑनलाइन पे आ गई हैं। सो दिस इज द फोर्थ रिकमेंडेशन। फिफ्थ कोर्स आई विल से, रियली से, इन दिस एज यू शुड गो फॉर स्टॉक ट्रेडिंग। अगर आपको स्टॉक ट्रेडिंग के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्लियर है, तो विश्वास मानो आप इस एज में छोटे छोटे अमाउंट अर्न करना शुरू, डिपॉजिट करना शुरू करोगे शेयर मार्केट में, एवरेज इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 to 3 thousand पर मंथ। एंड आई अश्योर यू विद माई चार्ट, आई विल शो इन योर नेक्स्ट वीडियो, कि टिल द एज यू विल कम एट 27, 28, 28, 3,000 पर मंथ ऑफ सेविंग मीन्स एवरेज अगर मैं आपको बताऊं, आप करीबन 8 या 10 लाख रुपए मार्केट में लगा चुके होंगे, लेकिन व्हेन यू रीच योर 27, 28, यू विल एक्चुअली हैविंग अ कॉर्पस ऑफ 8 to 10 crores ऑफ रुपीस। और ये ट्रस्टेड ये फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, कैसे स्टॉक ट्रेडिंग में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट से आप 20 से 25% का रिटर्न पाते हो। और इफ यू आर गुड स्टॉक ट्रेडर, अगर आपको पता है कि कैसे चार्ट्स काम करते हैं, कैसे अपलॉट कैंडल कैंडल होती है, कैसे स्टॉप लॉस होता है, कैसे मार्केट में शॉर्ट सेल करा जाए, कैसे फ्यूचर्स, कैसे ऑप्शंस में ट्रेडिंग करी जाए, तो विश्वास मानिए आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट या कॉन्ग्लोमरेट के लिए फर्स्ट चॉइस होगे। बिकॉज ये सारी चीजें, फर्स्ट तो पर्सनल फाइनेंस की बात है, कि अगर आप खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो भी आप करोड़ों कमाओगे, अदरवाइज अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम शुरू करते हो, कि आप लोगों का पोर्टफोलियो खुद मैनेज करते हो, तो यू विल गर्न अर्न अ गुड चंक ऑफ इनकम ऑन अदर पीपल्स मनी। तो माई फिफ्थ को प्रेफरेंस कोर्स इज वेब डिजाइन, स्टॉक ट्रेडिंग। लेट्स कम टू नंबर सिक्स। सिक्स इज वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लाना है, तो गूगल पे अगर आपको अपने बारे में कुछ भी दिखाना है, कि गूगल आपकी इंस्टीट्यूट के बारे में बात करता है, आपके जिम के बारे में बात करता है, आपके होटल के बारे में बात करता है, और एनी ऑफ द बिजनेस और एनी ऑफ द सर्विस यू आर, गूगल फर्स्ट आस्क फॉर अ वेबसाइट। इस बिजनेस की वेबसाइट नहीं होती, गूगल उनकी एड्स इजीली रन नहीं होने देता। रीजन मीन, गूगल नीड्स ऑथेंटिफिकेशन। अगर हम किसी को बताएं कि हाँ आप इस बिजनेस में हो, आप इस कोचिंग की सर्विस दे रहे हो, आपका ये जिम है, या आपकी एक पर्टिकुलर स्पा सर्विसेज है, तो उसकी क्या कोई वेबसाइट बनी हुई है जिस पे वो लैंडिंग पेज रखता है? तो वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट इज द न्यू एरा। कोई भी बड़ा बड़ा या छोटा बिजनेस हो, उसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है अ गुड वेब पेज डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूस। आप उसके अंदर देखिएगा, ऐसा नहीं कि वेब डिजाइन, वेब डिजाइनिंग एक बार का कंसेप्ट है, आपको रेगुलर अपने वेब पेज को अपलोड करना, अपडेटेड रखना पड़ता है रेगुलर, उसके अंदर कुछ ना कुछ कस्टमर डाटाबेस आता है, और अगेन वो जो जितना हाई
जितना हाई क्वालिटी का आपका वेब पेज बनता है, आप गूगल की रैंक में उतना हाई जाते हो। रीजन बिंग, गूगल आपकी शॉप को नहीं जानता, गूगल ये नहीं जानता कि मेरी बहुत बड़ा शोरूम है इंदौर में, कि एक छोटी सी शॉप है लेट से रेमंड की, लेकिन गूगल मेरी वेबसाइट को जानता है। तो गूगल मुझे ट्रेस, मुझे रैंक ऑन द बेसिस ऑफ माय वेबसाइट करेगा, ना कि मेरी एक्चुअल लोकेशन, बिकॉज गूगल को वो पता ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रेंक। तो वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेब डिजाइनिंग इज द सिक्स्थ प्रेफरेंस दैट एट एवरी इंडिविजुअल शुड गो फॉर। द सेवेंथ कोर्स आई वुड लव टू प्रेफर इज बिजनेस प्लान कोर्स। आजकल प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और बिजनेस प्लान के लिए फंडिंग आ रही है, और फंडिंग करोड़ों में है, चाहे वो एंजल इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो बिग इंडियन कॉन्ग्लोमरेट हो, चाहे वो बड़े बड़े फिल्म स्टार, जैसे कि भी आपने देखा नायका के जो मेन ओनर है, जिन्होंने बहुत सारा पैसा नायका में लगा कर रखा था, वो हमारी कैटरीना कैफ थी। तो कहने का मतलब है, चाहे वो सुपर फिल्म स्टार्स हो, चाहे कोई से भी इन्वेस्टर्स हो, इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट अ वेरी हाई स्पीड। अगर मैं बात करूं, चाइना से पूरा मार्केट शिफ्ट होकर इंडिया में आ चुका है। तो अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अगर आपका अच्छा बिजनेस प्लान है, आपको क्यों लग रहा है इतने सारे स्टार्टअप्स डिस्पाइट समवॉट लॉस, वो इतना अच्छा अर्न, इतना अच्छा पे ऑफ दे पा रहे हैं? अभी अनअकैडमी की आप टीचर्स की सैलरी देखिए, अगर आप पेटीएम या ओयो के लोगों की सैलरी देखिए, तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, ये तो कुछ फेमस स्टार्टअप्स हैं, ये सब इतना पैसा कैसे कैश फ्लो कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास एक राइट बिजनेस प्लान था, जिसके लिए इनको प्रॉपर फंडिंग मिली, इनके पास एक राइटिंग हैबिट थी कि कैसे एक बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करा जाए, कैसे बिजनेस प्लान बनाया जाए, कैसे कॉस्ट मॉडल पे वर्क करा जाए, कैसे रेवेन्यू मॉडल पे वर्क करा जाए, कैसे मार्केटिंग मॉडल अच्छे इन्वेस्टर तक पिच करा जाए। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने खुद ने इस साल 3 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स करे हैं फॉर दी स्टार्टअप वेंचर। तो अगर आपका कोई स्टार्टअप है और अगर वो गवर्नमेंट को पसंद आता है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उसमें एन नंबर ऑफ पैसा इन्वेस्ट कर रही है, एंड दैट टू फर्स्ट 3 इयर्स तक तो इनकम आपकी टैक्स फ्री होती है। तो सर, दिस वाज़ द सेवेंथ प्रेफर्ड कोर्स जो मैंने आपको बताया, बिजनेस प्लान। द एट्थ कोर्स इज गेम डिजाइनिंग। आपको और मुझे अच्छे से पता है, पबजी या स्क्विड गेम, इन्होंने कितनी पॉपुलरिटी पाई, और पबजी जो कंपनी थी उसने कितने करोड़ रुपए कमाए जस्ट गिविंग यू अ गेम, और वो कहीं ना कहीं आपका एडिक्शन। अभी सर, एज पर शाओल टेक्निक, सर जिस प्रकार से हम गेम खेलने में इंटरेस्ट है, क्या वो हमें अर्निंग देता है? हाँ सर, आज जो लोग पबजी खेलते हैं, या जो लोग स्क्विड गेम में, या ऑनलाइन बहुत सारे गेम आते हैं, वो तीन पत्ती हो या एक्स वाई जेड, जितने भी गेम्स होते हैं, इसमें लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। लेकिन सोचिए, ये आपने गेम खेल के कमाया। अगर आपको गेम डिजाइन करना आता, अगर आपको उसके पीछे की कोडिंग आती, अगर आपको उसके पीछे की C++ जावा लैंग्वेजेस आती, तो आप कितना पैसा कमा। बिकॉज हर न्यू गेम जो आ रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एज ग्रुप के लिए वो एक प्रकार से एडिक्शन बन रहा है, और इट्स अ न्यू वे ऑफ एंटरटेनिंग। जब अगर मैं बात करूं हमारे टाइम पे लोग बाहर जाके खेला करते थे, फुटबॉल बास्केटबॉल। आज की तारीख में लोग घर बैठे बैठे, अब वो चाहे लॉकडाउन है या लोगों को ईज ऑफ कन्वीनियंस ऑफ नेट इंटरनेट मिल चुका है, तो कहीं ना कहीं जो गेम डिजाइनिंग में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, बड़े बड़े गेम्स के अंदर करोड़ों अरबों मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे नीड अ गुड गेम डिजाइनर। सर, गेम डिजाइनिंग कहीं ना कहीं जब आप करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड की क्रिएटिविटी बढ़ती है। It's not only the game that you design, it's also you understand how to design a mindset कि क्या कस्टमर को अच्छा लगता है। तो दिस इज समथिंग द एट्थ प्रेफर्ड कोर्स। अगर मैं बात करूं नाइन्थ प्रेफर्ड कोर्स की, जो सबसे ज्यादा चल रहा है इंटरनेशनल, योर प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। हमारी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, हमारी नहीं, वर्ल्ड में सबकी प्रॉब्लम होती है कि we don't have time to do this thing. हमारी उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है। सर, ऐसा कैसे है कि कुछ कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो दिन में सिर्फ 2 या 3 घंटे काम कर रहे हैं, और उनका पैकेज 40-50 लाख का है? और ऐसा कैसे है जिन्होंने अच्छे अच्छे कॉलेज से टॉप मोस्ट डिग्री प्राप्त करी है एमबीए की, वो दिन में 8-8-10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो भी उनका पैकेज 20-25 लाख का है? सर, यहाँ पे काम आता है टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, कि आप अपना डे कैसे डिजाइन कर रहे हैं, आप अपनी सोच कैसे डिजाइन कर रहे हैं, आप कैसे एक प्रॉपर तरीके से, आपके पास एक गाइड रहती है कि कल के दिन में मेरे क्या टारगेट से क्या अचीव करना है, और कैसी वो मेजरिंग टेक्निक। रीजन बीइंग, आपका टाइम वेस्ट इसलिए होता है बिकॉज आप टाइम को मेजर नहीं कर पाते हो कि टाइम कहाँ जा रहा है, किस चीज पे जा रहा है, किस चीज पे आना चाहिए। आप टाइम का चार्ट नहीं बना पाते हो कि कौन सी चीज अर्जेंट है एंड इम्पोर्टेंट है। बहुत बार आप बहुत सारा टाइम उसमें लगा देते हो जो चीज इम्पोर्टेंट तो है बट अर्जेंट नहीं है।
जो चीज मुझे 15 दिन बात करनी है, अगर मैं उस पर आज फोकस कर रहा हूँ, आज बहुत सारा टाइम लगा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आज की अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट चीज है उससे मेरा फोकस हट जा रहा है। द टेंथ एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कोर्स इज, अगर मैं आपको बात करूँ, इज समथिंग, यहाँ पे पूरा वर्ल्ड जा रहा है, दैट इज ओरा बिल्डिंग, मेडिटेशन एंड रेपो बिल्डिंग। क्योंकि आज चेक कीजिए ना, फास्ट हम टेक्नोलॉजी के साथ इम्प्रूव कर रहे हैं। जो इसके पहले हमने पढ़ा था वो डाटा साइंटिस्ट हो, चाहे वो स्टॉक ट्रेडर हो, चाहे वो गेम डिजाइनर हो, कहीं ना कहीं इन सब चीजों से स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है। ना कहीं हम इन सब चीजों में इतने इन्वॉल्व हैं कि जो हमारी बॉडी की हार्मोनल इम्बेलेंसेस में जा रहे हैं, हमारी ज्यादा हासिल करने की महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं हमको मेंटल पीस से। तो 10th कोर्स अगर आपको मेडिटेशन, ओरा बिल्डिंग और रेपो बिल्डिंग अगर अच्छे से आता है, अगर आपको कॉस्मिक पावर का नॉलेज है, अगर आपको ब्रेन थेरेपीज पता है, आपको राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन कैसे वर्क करता है, कैसे हीलिंग करी जाए, अगर ये सब पता है, यू आर ऑन द टॉप लिस्ट बाय 2024, जिनकी पूरे इकोनॉमी को सबसे जरूरी होगी। इकोनॉमी में लोग, जो लोग करोड़ रुपए कमाएंगे, वो एटलीस्ट लैक्स ऑफ रुपीज देंगे सिर्फ अपनी मेंटल हीलिंग के लिए, बिकॉज दैट वुड बी द नीड ऑफ इट। तो दिस आर द टॉप 10 कोर्सेज दैट आई हैव टोल्ड यू। अगर आप इनमें से कोर्सेज करते हैं तो गूगल पे बहुत सारे कोर्सेज के फ्री सर्टिफिकेट्स हैं, ये फ्रीली अवेलेबल है। कुछ साइट्स हैं जहाँ पे ये बहुत इजी कॉस्ट पे अवेलेबल है, लेकिन इन सब के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनेगा। एंड अगर इसमें से किसी भी कोर्स की बहुत डिटेल जानकारी चाहिए कि कोर्स किस पे अवेलेबल है, कौन सी साइट से बेस्ट मिल पाएगा, कौन सा वर्थ इट है, आप किस एज ग्रुप के हो, तो उसके लिए आप पर्सनलाइज कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ एंड नाइस करियर।